मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे CBSE के क्लास 11 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है पाइथन, उसके लेक्चर नंबर 11 में। ये हमारा जो सेशन है वो बेस्ड अपॉन NCERT है, और हम लोग जो बुक रेफ़र कर रहे हैं ये हमारी NCERT की बुक है। तो ये लेक्चर नंबर 11 में हम लोग जो देखने वाले हैं वो हमारा जो टॉपिक है वो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का है। पिछले लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने जो टॉपिक्स कवर किया था वो किया था हमारा इनपुट एंड आउटपुट, और फिर उसके एग्जांपल्स देखे थे हम लोगों ने, और फिर हम लोगों ने इस जो हमारा कन्वर्जन होता है कन्वर्जन को समझा था हम लोगों ने, टाइप कन्वर्जन को समझा था हम लोगों ने। और अब आज के लेक्चर में हम लोग एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को समझने वाले हैं। आइए इसे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन? दिस कन्वर्जन की, देखिए कन्वर्जन की अगर बात करें तो कन्वर्जन जो दो तरीके का है हमारे पास, कन्वर्जन जो दो तरीके का है हमारे पास, उसमें से एक है एक्सप्लिसिट और एक है इम्प्लिसिट। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट की मतलब क्या है? एक्सप्लिसिट का मतलब मैंने आपको बताया था, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन मतलब ऐसा कन्वर्जन जो कि एक्सटर्नली किया जाए, है ना, मतलब फोर्सफुली किया जाए यूज़र के द्वारा, एंड यूज़र के द्वारा फोर्सफुली किया जाए, अलग से किया जाए, एक्सटर्नली। मींस ये ऑटोमेटिक नहीं होता, ये नॉन ऑटोमेटिक है, ये हमेशा नॉन ऑटोमेटिक होगा। ये जैसा भी नीड होगा तो यूज़र के द्वारा ये किया जाता है, और अगर ये नहीं किया जाएगा तो फिर क्या होगा, हमें एरर जनरेट होगा। ठीक है, तो ये एक्सप्लिसिटली करते हैं यूज़र के द्वारा, एक्सटर्नली फोर्सफुली किया जाता है, और ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। तो देखिए, और इसका जो नाम होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का, उसे हम लोग टाइप कास्टिंग के नाम से भी जानते हैं। और जब ऐसा टाइप हमारा जो हम लोग टाइप कास्टिंग करते हैं, मीन्स किसका क्या कास्टिंग, टाइप का मीन्स डेटा टाइप का, जानते हैं इंट होता है, फ्लोट होता है। ठीक है, तो व्हेन डेटा टाइप कन्वर्जन टेक्स प्लेस बिकॉज द प्रोग्रामर फोर्स्ड इन द प्रोग्राम, फोर्स करता है। इसका एक जनरल फॉर्म क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, चूँकि नया डेटा टाइप होगा तो सपोज़ यहाँ पर एग्जांपल तो दिया ही हुआ है आपको, तो जो भी नया नए डेटा टाइप में आपको कन्वर्ट करना है, उस नया डेटा टाइप का नाम और उसका एक्सप्रेशन, मतलब जो भी आपका डेटा है। व्हेन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन टेक्स प्लेस देयर इज़ अ रिस्क ऑफ लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक रिस्क होता है कि इन्फॉर्मेशन का लॉस हो सकता है हमारे पास। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं हम इस एग्जांपल से। जो हमें एग्जांपल दिया गया x इक्वल टू 20.67, तो हम लोग क्या देखते हैं 20.67 किस तरह का डेटा, एक फ्लोटिंग पॉइंट का डेटा है, डेसिमल पॉइंट का डेटा है। अब 20.67 एक फ्लोटिंग पॉइंट का डेटा है क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा। तो जब हम लोग इसे इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम लोगों ने भी सिंटेक्स क्या देखा, जो भी नया डेटा टाइप है उसका नाम लिखेंगे, जैसे इस फ्लोट को हमको, इस जो नंबर है डेटा फ्लोट का, इसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, हम लोग क्या लिखेंगे, न्यू डेटा टाइप, तो इंट। ठीक है, और एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है 20.67, तो एक्स जो वेरिएबल है उसको हम लोग ऐसे लिख दिए इसके फॉर्मेट में। तो फिर क्या होगा, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो फिर, और हम लोग ये भी बात जानते हैं शुरू से कि 20.67 है, तो 20 जो है ना, 20 जो है हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है, और 0.67 जो है हमारा एक फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल पार्ट है। तो फिर जब भी हम लोग, अभी क्या जो हम लोग का इंटेंशन है यहाँ पर, बेसिकली वो ये इंटेंशन है हमारा कि हम लोग इसके डेटा टाइप को बदलें एक्सटर्नली। तो जैसे ही हम ये फोर्स करते हैं तो इंट एक्स विल डिस्कार्ड द फ्रैक्शनल पार्ट, ये इसके फ्रैक्शनल पार्ट को डिस्कार्ड कर देगा, है ना। सो जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.67, इसे तो ये डिस्कार्ड कर देगा क्योंकि हम लोग इंट लगा रहे हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट को जब डिस्कार्ड कर देगा 0.67 को, तो फिर क्या होगा, हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। जो एक्चुअल डेटा था हमारा, जो एक्चुअल डेटा था हमारा 20.67, तो जब हम लोग इसे फ्लोट से, इसे जब हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इससे इसका तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमें जो ओनली इंटीग्रल पार्ट है आई, बस हमें तो सिर्फ वही दिखेगा इंट एक्स करने के बाद, तो 0.67 का हमारे पास क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को इसे समझना पड़ता है कि किस तरह से हम लोग करेंगे, है ना, ताकि हमारा डेटा का लॉस भी ना हो, है ना, और हमारा काम चल जाए।
और हमें अब ये भी बात है कि हमें कब करना है, ये नीडेड है या नहीं नीडेड है, इस बात को सोचना है कि कब नीडेड है, कब करेंगे, और करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, किस तरह का डेटा है, क्या हमें कोई लॉस तो नहीं हो रहा, और अगर लॉस हो रहा है तो क्या वो लॉस बियरेबल है या अनबियरेबल है, क्योंकि उसके कंसिक्वेंस क्या क्या होंगे। अब बताया जा रहा है फॉलोइंग आर सम ऑफ द फंक्शंस इन पाइथन दैट आर यूज्ड टू कन्वर्ट द डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली, है ना, एन एक्सप्रेशन और ए वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को या एक्सप्रेशन को हम लोग उन डेटा टाइप को जब चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, तो एक टेबल हमें दिया गया है, तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन फंक्शंस, कुछ फंक्शन है हमारे पास, तो एक इंट फंक्शन है, जैसा कि हम लोग देखा इंट से किया हम लोगों ने कन्वर्ट एक्स, एक्स नाम के वेरिएबल में जो भी डेटा रहेगा उसको वो इंटीजर में बदल देगा। जैसे हम लोगों के पास 20.67 था, एक्स में स्टोर था, तो हम लोगों ने जब इंट एक्स किया, मतलब इंट 20.67 हो रहा है इनडायरेक्टली, तो वो क्या कर देगा, इंटीजर वैल्यू 20 ला देगा, है ना, कन्वर्ट कर देगा एक्स टू एन इंटीजर। ये बात हमें पहली बात समझ में आ रही है। फिर फ्लोट, और फ्लोट कर देंगे, है ना, फ्लोट, सपोज़ इसी को हम लोगों ने, अगर एक्स था हमारे पास 20, अब हम लोग इसे कह रहे हैं एक्स एक इंटीजर है, बट अब हम लोग कह रहे हैं फ्लोट एक्स, मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है फ्लोट, तो हम लोग यहाँ जब फ्लोट 20 कर रहे हैं तो इसे ये 20 में कन्वर्ट कर देगा, है ना, ठीक है, ये हो गया। और अगला है हमारे पास strx, str क्या कर रहे हैं, str तो हमारा स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग कन्वर्ट्स x टू ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, वो x वेरिएबल में जो भी डेटा स्टोर होगा, है ना, उसे वो स्ट्रिंग में बदलेगा, ठीक है, वो उसे स्ट्रिंग में बदल देगा। जैसे सपोज हमारा x में है 5, ठीक है, अब हम लोगों ने किया स्ट्रिंग x, इट मीन्स एक्चुअल में क्या हो रहा है वो str 5, तो ये तो इंटीजर टाइप का डेटा था, बट हम लोग अभी इसे क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इसे क्या करने जा रहे हैं, str लगा रहे हैं, बट स्ट्रिंग में कन्वर्ट होना है, तो फिर ये इसे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग जानते हैं तो एक नंबर को भी स्ट्रिंग में कैसे सिंगल इंट कॉमा में कर दिया गया, तो ये हमारा जो इंट था वो इंट से कन्वर्ट होकर किस में आ गया है, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, और स्ट्रिंग को हम लोग str से समझते हैं। और जब भी कोई एक नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है तो वो अपना कैलकुलेटिंग पावर को लॉस कर देता है, ठीक है, ये बात भी हम लोग समझते हैं। कन्वर्ट एक्स टू ए कैरेक्टर, अब कोई भी एक्स में डेटा स्टोर है उसको हम लोग कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास यूनी कैरेक्टर, ये हमारा सी एच आर जो है वो क्या है, CHR रिप्रेजेंट कर रहा है कैरेक्टर को, दिया हुआ है हमारे पास str स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है, कन्वर्ट करता है x को स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में, CHR x वो कन्वर्ट कर रहा है x को कैरेक्टर में, UniCHR कन्वर्ट कर रहा है यूनी, तो यूनी वो यूनी कोड होता है हमारे पास, है ना, यूनी कोड होता है, उसे वो उसमें कन्वर्ट करना है x में जो भी x वेरिएबल में जो भी डेटा स्टोर होगा, ठीक है। आइए उस प्रोग्राम को हम लोग समझते हैं। सो हमारे पास जो प्रोग्राम दी हुई है अभी वो है प्रोग्राम ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू फ्लोट, इंट से फ्लोट में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, हैश लगा हुआ है, इट मीन्स ये एक सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है। क्या लिखा, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू फ्लोट, इंट से फ्लोट में हम लोग टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं, तो इंट से फ्लोट में करेंगे मतलब ये वाले बार टाइप 20 को 20.0, है ना, लिख सकते हैं हम लोग ऐसे मैथ्स में जानते हैं कि 5 को हम लोग 5.0 तरीके से लिख सकते हैं, है ना, कितना परसेंट आया 80.00%, है ना, मीन्स 80%, फिर बोलता है कि एग्रीगेट परसेंट बताइए, तो हम क्या बोलते हैं, हाँ सर 80.72% आया, है ना, फिर बोलेंगे अच्छा 7 है, इट मीन्स लाइक ये इसको हम लोग राउंड करें तो 81% हो गया, तो बोलेंगे कोई बोलेगा नहीं सर हमको एकदम एग्जैक्ट 80% आया, तो बोले नहीं एकदम एग्रीगेट बताओ, पॉइंट वाला ही बताओ, तो बोलेंगे नहीं सर हमको 80.00% आया, तो सर 80% हुआ ना, तो मेरे ये आ गया, इट्स ओके, ठीक है, तो ये वही वाली बात। तो इस तरह से हम लोग जब फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो 20.0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
आई थिंक क्लियर है यहाँ तक, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर नम वन एक वेरिएबल में 10 लिया हम लोगों ने, नम टू में 20 लिया, और नम थ्री में हम लोगों ने दोनों को ऐड करके लिया तो वो 30 आया नम थ्री में, और फिर प्रिंट नम थ्री, नम थ्री को प्रिंट किया तो 30 प्रिंट हुआ। सबसे पहला हमारा प्रिंट, फर्स्ट प्रिंट का 30 आया। फिर है प्रिंट प्रिंट टाइप, टाइप नम थ्री, हम लोग नम थ्री का टाइप को देखना चाहते हैं कि नम थ्री वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है, तो नम थ्री में तो स्टोर है हमारे पास 30 है, तो नम थ्री में जो हमारे पास 30 डेटा स्टोर है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि नम थ्री में 30 तो उसका टाइप को देखेंगे। तो फिर जैसे ही उन्होंने टाइप किया तो हमारे पास इस तरह से कुछ लिख करके आए क्लास इंट, मतलब यहाँ जो लिखा है इसका हमें इंट शो हो रहा है। और सिंटेक्स होता है जब भी हम लोग किसी चीज़ को टाइप से देखते हैं, जैसे नम थ्री किया हम लोगों ने, तो इसका जो आउटपुट आएगा हमारे पास वो कुछ इस तरह से आएगा, क्लास। यहाँ पर जो होता है वो हमारा क्या होता है उसका डेटा टाइप बताता है, कौन सा डेटा टाइप होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो डेटा टाइप है वो कौन सा था, वो तो हमारे पास इंट है ना, तो यहाँ पर इंट लिखा रहेगा जैसे यहाँ पर हमें बताया गया। ठीक है, प्रिंट टाइप नम थ्री और प्रिंट के प्रिंट फंक्शन में से पास कर रहे हैं टाइप फंक्शन को, मीन्स प्रिंट एक फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोग एक टाइप फंक्शन को पास कर रहे हैं और टाइप फंक्शन के अंदर पास हो रहा है नम थ्री। ठीक है, तो उसका डेटा टाइप पास हो गया नम थ्री, तो वो हो गया इंट। फिर प्रिंट नम फोर, अच्छा एक लाइन और है हमारे पास, तो एक लाइन जो और बताया गया है हमें, तो प्रिंट नम फोर, नम फोर में हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लोट नम वन प्लस नम टू, मीन्स नम वन में तो 10 है और नम टू में 20 है, तो फ्लोट नम वन प्लस नम टू, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद फ्लोट कीजिए, तो 10 प्लस 20 क्या हुआ 30, और 30 को फ्लोट बनाया जाए तो 30.0, और फिर इसे नम फोर में स्टोर करें। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है प्रिंट नम फोर, तो नम फोर को प्रिंट कीजिए, तो नम फोर में क्या आया हमारा 30.0, देखिए 30.0 है इसका प्रिंट यहाँ पर। फिर है प्रिंट टाइप नम फोर, तो इसे प्रिंट टाइप नम फोर, मतलब नम फोर जो है इसका टाइप प्रिंट करना है ना, टाइप फंक्शन, प्रिंट फंक्शन के अंदर एक टाइप फंक्शन है उसके अंदर हम लोग नम फोर को पास कर रहे हैं, तो नम फोर 30.0 क्या है फ्लोट, यहाँ पर हमें दिखा रहा है ये फ्लोट, ये दिखा रहा है यहाँ लाइन से फ्लोट। ठीक है, होप सो ये चीज़ क्लियर होगी आपको, आई थिंक इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। ये देखने में प्रोग्राम बड़ा जैसा लग रहा है बट एक्चुअल में प्रोग्राम बहुत ही छोटा है। आइए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट प्रोग्राम 5-6, प्रोग्राम 5-6 में हमें क्या बताया जा रहा है उसे हम एक बार देख लेते हैं, हम लोग सारे प्रोग्राम को भी एक बार समझ लेते हैं उसके बाद। तो जैसे स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे थे, अब हमें प्रोग्राम नंबर 5-6 को देखना था। यहाँ है प्रोग्राम ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोट टू इंट, अब हमें टाइप कन्वर्जन करना है एक्सप्लिसिटली फ्रॉम फ्लोट टू इंट, हमारा डेटा होगा फ्लोट में उसका डेटा टाइप, और हमें उसका डेटा टाइप को इंट बनाना है, कन्वर्ट करना है एक्सप्लिसिटली एक्सटर्नली बाय द हेल्प ऑफ यूजर फोर्सफुली। ठीक है, और ये नॉन ऑटोमेटिक है, तो हम जब भी ये काम करेंगे अपने नीड के हिसाब से करेंगे। कई बार ऐसा होगा कि हमारा नीड है बट हम लोगों ने कन्वर्जन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन नीड है तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हम लोगों ने चांसेस है कि हम लोगों ने या तो किया है या तो हम लोगों ने नहीं किया है। तो अगर हमारा नीड है और हम तब हम लोगों ने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन किया है तब तो हमारा वेरी गुड, बट अगर हमारा नीड है और तब हम लोगों ने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को नहीं किया है तो हमारा एरर जनरेट हो जाएगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है, तब हमारा नीड है और तब हम लोगों ने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को हम लोगों ने अप्लाई किया है या नहीं किया है। अगर नीड है और हम लोग करना है तब तो हमारा सही है, अदरवाइज एरर जनरेट होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसे, तो इस केस में एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होना है फ्लोट टू इंट, तो हमारा नम वन में दिया है 10.2, नम टू में 20.6 दिया है, दोनों फ्लोट टाइप का डेटा है, और नम थ्री में हम लोग नम वन प्लस नम टू को जोड़ के लिख रहे हैं, तो 10.2 प्लस 20.6 इक्वल्स 0.8,
30.8 हमारा डेटा हुआ। तो हम लोगों ने जब प्रिंट एंड नम थ्री किया, नम थ्री प्रिंट हो गया और अब हम लोग प्रिंट टाइप नम थ्री कर रहे हैं। प्रिंट टाइप नम थ्री जैसे ही हम लोग करने जा रहे हैं तो हमें नम थ्री डेटा का टाइप को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे ही नम थ्री का टाइप को प्रिंट करने की कोशिश की, जैसे ही हम लोगों ने नम थ्री, तो नम थ्री में तो 30.8 और ये फ्लोट है, तो क्लास इस तरह से हमें रिजल्ट आ गया क्लास फोर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं इस लाइन में, नम वन प्लस नम टू, तो नम वन प्लस नम टू तो हमारा आया 30.8 आया था, 30.8 के बाद हम लोग इसे इंट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इंट फंक्शन लगा रहे हैं यहाँ पर, इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये 30 क्या होता है, इसका इंटीग्रल पार्ट होता है, 8 होता है फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट को एलिमिनेट कर देगा और बस इंटीग्रल पार्ट रखेगा। तो नम फोर में हमारा क्या डेटा स्टोर हो जाएगा, नम फोर में हमारा स्टोर हो जाएगा डेटा 30, और फिर हम लोग नम फोर को प्रिंट कराएंगे, तो नम फोर हमारा प्रिंट हो गया 30, और फिर नम फोर का टाइप को हम लोग प्रिंट कराएंगे। अगर टाइप हमारा फंक्शन है तो टाइप फंक्शन प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोग पास करा रहे हैं, और टाइप फंक्शन के अंदर नम फोर, तो 30 का तो डेटा टाइप प्रिंट होगा। ये क्लियर है, वेरी मच क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम 5-7 है, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन होगा डेटा टाइप का फ्रॉम बिटवीन नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। तो 5-7 बताया जाता है कन्वर्जन बिटवीन नंबर्स एंड स्ट्रिंग। प्राइस आइसक्रीम हमारे वेरिएबल में हम लोग 25 डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। प्राइस ब्राउनी, ब्राउनी का प्राइस 45 है, ये वेरिएबल का नाम है, सो 45 को इंसर्ट किया हम लोगों ने। तो टोटल प्राइस नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें प्राइस आइसक्रीम प्लस प्राइस ब्राउनी को हम लोगों ने ऐड कर दिया, ठीक है। और इस प्रिंट में हम लोग कर रहे हैं द टोटल इज़ रुपीज़, तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, और प्लस टोटल प्राइस यहाँ पर हमारा स्पेस के बाद ये लिखा आएगा, फिर एक स्पेस होगा, फिर हमारा जो टोटल प्राइस जोड़ कर आया है यहाँ पर, दोनों को जोड़ के आया, ये दोनों को जोड़ के 25 + 45 आ गया क्या हमारा 0 7 70, टोटल इज़ रुपीज़ 70 हमारा प्रिंट हो गया। आइए देखें इसे, तो देखिए हमारा आ रहा है टोटल इज रुपीज़ 70। तो देखिए हमारे इंटरप्रेटर में क्या देखने को मिल रहा है, हमें हम लोग ध्यान से देखते हैं अगर इसे अपने कोड को, तो क्या हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या हमें वो आएगा, बताया जाए नहीं आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्पेस, वो स्पेस नहीं आया। तो अगर यहाँ कॉमा होता, यहाँ प्लस की जगह अगर कॉमा होता तब तो हमारा स्पेस आता, बट ये प्लस है। इट मीन्स राइट नाउ वी आर डूइंग व्हाट, वी आर ट्राइंग टू कॉन्कैटिनेट द थिंग्स, कॉन्कैटिनेट द थिंग्स, कॉन्कैटिनेट करना चाह रहे हैं। मतलब ये क्या है, द टोटल इज रुपीज़, ये जो पूरा लिखा है द टोटल इज रुपीज़, ये एक्सट्रीम डेटा है, ठीक है। ये यहाँ पर भी ये एक्सपेक्ट करता कि ये स्ट्रिंग अगर होता तो कॉन्कैटिनेशन प्रोसेस हमारा हो जाता है ना, इट विल कॉन्कैटिनेट द स्ट्रिंग्स, ठीक है, क्योंकि प्लस का साइन है, प्लस साइन क्या करता है, कॉन्कैटिनेट करेगा दो स्ट्रिंग्स को, बट ये कॉन्कैटिनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि द टोटल प्राइस में, टोटल प्राइस तो हमारा वेरिएबल है, उसमें तो हमारा एक इंटीजर वैल्यू स्टोर है जो कि 70 है। तो यहाँ पर इट मीन्स वी आर ट्राइंग टू ऐड व्हाट, वन स्ट्रिंग डेटा एंड वन द डेटा विच इज़ ऑफ इंट टाइप एंड वन डेटा विच इज़ ऑफ स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग टाइप डेटा किसको ऐड करना चाह रहे हैं, द टोटल इज रुपीज़, और एक इंट टाइप किसको ऐड करना चाह रहे हैं, विच इज़ 70। तो जब भी स्ट्रिंग प्लस इंटीजर होगा तो ये कॉन्कैटिनेशन नहीं कर पाएगा, कॉन्कैटिनेशन तभी होगा जब वो दो स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, जो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, जो भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे डेटा कि हमारा टोटल इज़ रुपीज़ स्पेस 70 है, वो नहीं है, क्योंकि पहला बात तो ये प्लस का साइन है, प्लस साइन क्या करेगा हमें कॉन्कैटिनेट करने की बात करेगा, और कॉन्कैटिनेट ये होगा नहीं क्योंकि इंट टाइप का है और स्ट्रिंग प्लस इंट कॉन्कैटिनेट होगा नहीं, है ना, ये एरर जनरेट करेगा। और प्लस साइन की जगह वहाँ पर कॉमा रहता तो हमारा ये 70, ऐसा नहीं कि हमारा ये प्रिंट नहीं हो सकता था, प्रिंट कब होता है, प्लस की जगह हम लोग कॉमा देते
तो हमारा प्रिंट होता द टोटल, तब हमारा प्रिंट होता क्या, द टोटल टोटल इज रुपीज 70 और यहाँ स्पेस आता। ये काम कब होता, जब यहाँ पर कॉमा रहे तब दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में, है ना, बट ऐसा तो किया हुआ है नहीं तो फिर यहाँ तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो बट कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग इसको प्रिंट कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि हमारे ये प्रिंट नहीं होगा कि द टोटल इज़ रुपीज 70, ये प्रिंट हो सकता था, बट कब, जब हम लोग यहाँ कॉमा देते हैं। बट अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं यहाँ पर प्लस ही रहे तो प्लस ही रहे, बट यहाँ तो टोटल प्राइस जो है ये तो इनडायरेक्ट जो वेरिएबल लिखा है, ये तो इसके अंदर जो डेटा है वो तो इंट टाइप का है, और ये जो है ये तो स्ट्रिंग टाइप का है, तो ये भी एरर दिक्कत करेगा, क्योंकि ये प्लस बोलेंगे इसके मीन्स यू आर वॉन्टिंग टू कॉन्कैटिनेट दोज टू थिंग्स, बट दोज टू थिंग्स आर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, है ना, स्ट्रिंग है इंट है, तो वो दिक्कत जनरेट करेगा। इसीलिए हम लोग को यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं टाइप कन्वर्जन, हमें एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना होगा टोटल प्राइस को, जो कि नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। वही बात की गई है हमारा एरर, और कौन सा एरर, टाइप एरर, टाइप मतलब वही डेटा टाइप एरर, ठीक है। तो ये कह रहा है इट कैन ओनली कॉन्कैटिनेट str, वो सिर्फ स्ट्रिंग को ही कॉन्कैटिनेट करे, एक टाइप का डेटा टाइप को कॉन्कैटिनेट करता और वो स्ट्रिंग को ही कॉन्कैटिनेट करता, तभी हमारे ये कॉन्कैटिनेशन प्रोसेस होगा। बट हमारा हम लोगों ने क्या करने की कोशिश की, स्ट्रिंग और प्लस इंट डेटा टाइप को कन्वर्ट करने की कोशिश की, ठीक है। ये स्ट्रिंग डेटा था हमारा, और ये यहाँ पर जो वेरिएबल था वो इंट टाइप का डेटा हमारा स्टोर किया हुआ था, तो हमारा दिक्कत आ गया, है ना, तो कॉन्कैटिनेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो बोल रहे कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग रहता तभी हो पाता। इट कैन ओनली कॉन्कैटिनेट str मीन्स स्ट्रिंग, इस चीज़ को पॉसिबल था, नॉट इंट, ये चीज़ पॉसिबल नहीं था, ये चीज़ पॉसिबल नहीं था, सिर्फ ये पॉसिबल था हमारा, सिर्फ ये पॉसिबल था, ये पॉसिबल नहीं था, है ना, ठीक है, हो गया। यही बताया जा रहा है कि द टोटल इज रुपीज़, ये तो हमारा ये स्ट्रिंग है और ये हमारा इंट है, लाइन नंबर 7, ठीक है। तो यहाँ पर पाइथन शेल ने या इंटरप्रेटर ने हमें एरर जनरेट किया, तो टाइप एरर है हमारा, मतलब डेटा टाइप का एरर, तो इट कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट, ठीक है। अब ये काम करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, वही बताया जा रहा है कि ऑन एग्जीक्यूशन प्रोग्राम 5 to 7 गिव्स एन एरर एज शोन इन फिगर इन्फॉर्मिंग दैट द इंटरप्रेटर कैन नॉट कन्वर्ट एन इंटीजर वैल्यू टू स्ट्रिंग इम्प्लिसिटली। तो अब बात होता है कि हम लोगों ने क्या बोला, इस लाइन का अगर मतलब समझे तो इम्प्लिसिटली का मतलब क्या, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे हमारा जो अगला टॉपिक होगा इम्प्लिसिट कन्वर्जन दो तरह का हम लोगों ने जाना था, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन और एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो हम लोगों को आगे देखना है, यहाँ पर क्या होता है, यूज़र कुछ नहीं करता, एंड यूज़र, यूज़र प्रोग्रामर कोडर कुछ नहीं करता है ना, यहाँ पर काम ऑटोमेटिक होता है, यहाँ पर काम ऑटोमेटिक होता है, अलग से कुछ नहीं होता, एक्सटर्नली कुछ नहीं होता है ना, फोर्सफुली कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जब यूज़र करेगा, जब भी यूज़र करेगा तो वो तो फोर्सफुली करेगा, तो जब यूज़र जब कर ही नहीं रहा है तो फोर्सफुली की बात आएगी नहीं, एक्सटर्नली की बात आएगी नहीं, कोडर करेगा ही नहीं, यूज़र करेगा ही नहीं, है ना, तो कोडर करेगा ही नहीं, यूज़र करेगा ही नहीं कोई कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कन्वर्जन में यूज़र का कोई वर्क नहीं होता एंड यूज़र का, कोडर का, तो इसका मतलब एक्सटर्नली नहीं हुआ, फोर्सफुली नहीं हुआ, है ना, ऑटोमेटिक होगी इन चीज़ें। तो कहने का मतलब अगर हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे
कि हम लोग तो अभी क्या पढ़ रहे हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में तो सब सारी चीज़ें एक्सप्लिसिटली हो रही हैं, ठीक है, और इम्प्लिसिट कन्वर्जन में सारी चीज़ें इम्प्लिसिटली होंगी। तो इम्प्लिसिटली तो होगा नहीं ना, क्योंकि हम लोग तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में काम कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, यूज़र कर रहा है ना, ऑटोमेटिक हो नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ जो लाइन हमें कह रहा है कि इन्फॉर्मिंग दैट द एंटरप्रेन्योर राइटर कैन नॉट कन्वर्ट एन इंटीजर वैल्यू टू स्ट्रिंग इम्प्लिसिटली, तो वहाँ पर जो स्ट्रिंग प्लस इंट था, इसे अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग कर देता और स्ट्रिंग दोनों स्ट्रिंग हो जाएगा, तब तो ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, ये बात तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बट ये चीज़ ऑटोमेटिक तो नहीं होगा ना, क्योंकि हम लोग जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिलहाल जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक तो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में यूज़र करता है, कोडर करता है, प्रोग्रामर करता है ना, और वो नॉन ऑटोमेटिक होता है, वो एक्सटर्नली करता है, फोर्सफुली करता है, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता वहाँ। तो हम लोग को करना है, ये ऑटोमेटिक हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। और ऑटोमेटिक जब होता है बात, ऑटोमेटिक की बात को ही हम लोग इम्प्लिसिटली बोलते हैं। तो इम्प्लिसिटली तो होगा नहीं ना, इम्प्लिसिटली तो होना नहीं है, ऑटोमेटिक होना नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक या इम्प्लिसिटली वाली बात कहाँ होगी, वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन में होगी, और वो तो हम लोग पढ़े नहीं हैं। तो हम लोग एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि ये मेरा इंटीजर ऑटोमेटिक एस में स्ट्रिंग बदल जाए, फिर दोनों कॉन्कैटिनेट हो जाए, दोनों ऐड हो जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, तो फिर तो कन्वर्ट इंटीजर वैल्यू टू स्ट्रिंग इम्प्लिसिटली कैन नॉट कन्वर्ट, ऑटोमेटिक इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं होगा, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक्सप्लिसिटली कर रहे हैं। इट मे एपर क्वाइट इंट्यूटिव दैट द प्रोग्राम शुड कन्वर्ट द इंटीजर वैल्यू टू स्ट्रिंग डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज, ठीक है। तो वही बात बताई जा रही है यहाँ पे कि इट फील्स लाइक, है ना, ऐसा हमें लगता है, इट अपीयर्स लाइक क्वाइट इंट्यूटिव, इंट्यूशन में होता है कि प्रोग्राम कन्वर्ट कर देगा इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में, है ना, यूज़ पे डिपेंड होकर के, क्योंकि उसका यूज़ कुछ वैसा ही है। बट यहाँ पे हमें समझना कि ऑटोमेटिक होगा तो ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, इम्प्लिसिटली होगा ये इम्प्लिसिटली नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर रहे हैं। हालांकि हाउएवर द इंटरप्रेटर मे नॉट डिसाइड ऑन इट्स ओन, क्योंकि इंटरप्रेटर अपने से डिसाइड नहीं कर लेगा कि कब हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, हमें कन्वर्ट कब करना है वो खुद से डिसाइड नहीं कर लेगा, क्योंकि खुद से जब डिसाइड करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, इंटरप्रेटर मे नॉट डिसाइड ऑन इट्स ओन व्हेन टू कन्वर्ट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, एक रिस्क होता है लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन का, ठीक है ना, वहाँ पर एक रिस्क होता है लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन का, इसीलिए यहाँ पर अगर हम लोग खुद से करते हैं, ऑटोमेटिक करते हैं, या इम्प्लिसिटली जिसको बोलें, जो कि हम लोग इम्प्लिसिट कन्वर्जन के अंदर पढ़ने वाले हैं आगे जाकर, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग खुद से करते हैं, इंटरप्रेटर खुद से करेगा, देन देर विल बी अ लैक ऑफ सॉरी देर विल बी अ हाई रिस्क ऑफ लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसीलिए इंटरप्रेटर खुद से डिसाइड नहीं करता है। बट अब हम लोग उसको इम्प्लिसिटली ही करा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन सम सिचुएशंस, तब तो वहाँ पर वो अपने हिसाब से देखता है कि कोशिश करता है कि वो, है ना, कि वो करे और इन्फॉर्मेशन का लॉस ना हो, है ना। बट हम लोग अगर एक्सप्लिसिटली कर रहे हैं तो वहाँ ऑटोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि इंटरप्रेटर वुड नॉट डिसाइड ऑन इट्स ओन, खुद से डिसाइड नहीं करेगा कि कब हमें कन्वर्ट करना है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन का रिस्क रहता है। तो पाइथन प्रोवाइड्स द मेकेनिज्म ऑफ एक्सप्लिसिट कन्वर्जन सो दैट वन क्लियरली स्टेट द डिजायर्ड आउटकम। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पाइथन जो है मेकेनिज्म बताता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का, ताकि आप लोग ये क्लियरली बता सकें, स्टेट कर सकें कि हमारा डिजायर्ड आउटकम क्या होगा, मतलब क्या आपको आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो आप जब जो चीज़ भी आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट आपको चाहिए, तो फिर उसे कन्वर्जन करना ज़रूरी है, तो फिर वो काम आप खुद कर लें, है ना, तो वो चीज़ नॉन ऑटोमेटिक होगा और वो एक्सप्लिसिट होगा, ठीक है। तो हम लोग को अपना उस प्रोग्राम को चलाना है अगर, तो हम लोग कुछ इस तरीके से काम करेंगे, प्रोग्राम टू शो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, वही प्रोग्राम है हमारा ऊपर का, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग ही पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। प्राइस आइसक्रीम 25 दिया हुआ है, ये डेटा इसके अंदर गया,
प्राइस लगा हमने 45 डेटा गया, इस वेरिएबल में स्टोर हुआ। टोटल प्राइस में हम लोगों ने दोनों के प्राइस को जोड़ा है जो कि हमारा 70 आएगा और वो स्टोर हो रहा है टोटल प्राइस में। प्रिंट द टोटल इज़ रुपीज़, ये तो एज इट इज़ प्रिंट होना है। ये एक स्ट्रिंग डेटा है और ये प्लस हो रहा है। ये टोटल प्राइस अभी तक मेरा 70 था, ये इंट था, बट हम लोगों ने स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ किया और स्ट्रिंग फंक्शन में यूज़ किया हम लोगों ने टोटल प्राइस। ये वेरिएबल का नाम दिया यहाँ पर हम लोगों ने, इस वेरिएबल का जो नाम दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया इनडायरेक्टली 70 आ गया और 70 इंट टाइप डेटा था और हम लोगों ने str फंक्शन यूज़ करके इसे क्या कर दिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो एक्चुअल में ये हमारा इंटरनली 70 में स्टोर हो गया, 70 में स्टोर हो गया, मतलब लिखाएगा वो 70 ही बट वो एक्चुअल में इंटरनली वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक्चुअल में इंट टाइप का डेटा है और ये एक्चुअल में स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो लग रहा है देखने में ये भी नंबर बट एक्चुअल में ये स्ट्रिंग, ये इंट है, इंटीजर टाइप का डेटा है और ये एक्चुअल में str है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, बट ये इंटरनली जो है वो स्टोर होगा वो इस तरह से होगा ताकि समझ में आए कि स्ट्रिंग है, बट हमें देखने को ये 70 इस तरह 70 ही दिखेगा, है ना। और तब यहाँ पर जब हम लोगों ने स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ किया है, ये 70 मेरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया और ये देखने को स्ट्रिंग इंटीजर टाइप का दिखेगा 70 और ये हमें इस तरह से, अब दोनों स्ट्रिंग हो गया, तो दोनों जब स्ट्रिंग हो जाएगा, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग, तो यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे, इस कॉन्कैटिनेशन प्रोसेस हो जाएगा और तब दोनों स्ट्रिंग जुड़ करके लिखा जाएगा। तो टोटल इन रुपीज़ ऐसे लिखा गया है और वो 70 प्रिंट हो गया। तो अब हमें बताया जा रहा है यहाँ पर सिमिलरली टाइप कास्टिंग इज़ नीडेड टू कन्वर्ट फ्लोट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो फ्लोट से स्ट्रिंग में भी अब कन्वर्ट, इट मीन्स लाइक हमारा टोटल वैल्यू इज, ये हमारा डेटा था स्ट्रिंग टाइप का डेटा, इसे प्लस कर दिए हम लोग और यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा वैल्यू ए लिखा हुआ और ए में स्टोर है 70.8। ठीक है, ये तो स्ट्रिंग है और यहाँ ए जो है वेरिएबल, इसमें जो डेटा स्टोर है वो 70.8 है और वो किस तरह का डेटा है, वो फ्लोट टाइप का डेटा है, तो ये स्ट्रिंग ऑफ फ्लोट है, तो ये स्ट्रिंग ऑफ फ्लोट है, तो ये भी तो हमारा ये ऐड नहीं हो पाएगा, कॉन्कैटिनेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पाएगा तो फिर हम लोग को फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसे हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, तो फिर हम लोग फिर से यहाँ पर इस वेरिएबल को पास करेंगे स्ट्रिंग फंक्शन में, str फंक्शन में, फिर हमारा दोनों जब स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग हो जाएगा तो हमारा कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा। तो वही बात हमें बोला जा रहा है, टाइप का सिमिलर टू कन्वर्ट फ्लोट टू स्ट्रिंग ऑल्सो सिमिलरली पाइथन वन कैन कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर, है ना। तो यहाँ तो बात हो गई, यहाँ तक अभी तक जो हम लोगों ने देखा तो इंट को हम लोगों ने स्ट्रिंग में किया, फ्लोट को हम लोगों ने स्ट्रिंग में किया, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, फ्लोट को स्ट्रिंग में करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ऊपर वाले केस में यहाँ पर हम लोगों ने एक इंटीजर को स्ट्रिंग में करने की कोशिश की। ठीक है, बट अब बता रहा है इस लाइन में हमें बताया क्या जा रहा है कि वन कैन कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर, है ना, स्ट्रिंग को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब वाइस वर्सा। यहाँ पर तो हम लोगों ने स्ट्रिंग टू इंटीजर किया है, इंटीजर टू स्ट्रिंग किया है हम लोगों ने, यहाँ पर इंटीजर था हमारा डेटा ये, उससे हम लोगों ने स्ट्रिंग में किया, देखा हम लोगों ने, और यहाँ पर फ्लोट था जो 70.8 उसको मैंने स्ट्रिंग में किया है, ये भी देखा हम लोगों ने, बट इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग टू इंटीजर भी कर सकते हैं और स्ट्रिंग टू फ्लोट भी कर सकते हैं। यही बात यहाँ बोला जा रहा है, वन कैन कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर और फ्लोट, स्ट्रिंग टू फ्लोट ऐसा भी कर सकते हैं, वैल्यूज़ व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब भी हमारे जैसा ज़रूरत हो। होप्स आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में, और शायद ये हमारा लास्ट प्रोग्राम रहने वाला है। आज हम लोग बस एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को ही देखेंगे, छोटे छोटे वीडियोस में हमारा टॉपिक्स रहेगा, फिर बड़ा भी हो सकता है हमारा डेटा, जैसा हमारा डेटा रहेगा, चैप्टर का डिमांड रहेगा, टॉपिक्स का जैसे प्रोग्राम्स रहेंगे उसके अंदर, उस तरह से हम लोग अपने वीडियोज़ को बनाएंगे। लेट्स सी, बस यही हमारा लास्ट प्रोग्राम है आज का, तो लेट्स सी। तो
प्रोग्राम टू शो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। फिर से हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को देख रहे हैं। प्रोग्राम 5-9 में क्या बताया जा रहा है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन आइसक्रीम में 25 है। अब ध्यान दें, जैसे कि देखिए, अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर थोड़ा सा मैं सिरप कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में टाइप कन्वर्जन जो होना है वो आपका स्ट्रिंग टू इंट होना है, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पर हम लोगों ने बात की कि इंट टू स्ट्रिंग हो गया है ना, यहाँ पर हमारा इंट टू स्ट्रिंग हो चुका है। इंट टू स्ट्रिंग हम लोगों ने देख लिया और फिर मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर भाई वो फ्लोट रहते तो फ्लोट को भी हम स्ट्रिंग में बदल देते, वो भी समझ गए। बट स्ट्रिंग टू इंटीजर भी हमें जब भी डिपेंड, हमारा उसका क्राइटेरिया होगा जब भी रिक्वायर्ड होगा, जो हमें इस लाइन में लिखा था यहाँ पर, वन कैन कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर और फ्लोट ऑल्सो जब भी वेन एवर रिक्वायर्ड, स्ट्रिंग टू इंटीजर या स्ट्रिंग टू फ्लोट, तो ये हमें देखना है। तो ये हमारा जो कोड है वो हमें स्ट्रिंग टू इंटीजर की बात बता रहा है। ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन स्ट्रिंग टू इंटीजर वाला है। तो यहाँ पर देखिए, आइसक्रीम वेरिएबल में हम लोगों ने 25 को इंसर्ट किया और ये 25 देखिए, हम लोग 25 इंटीजर होता है और 25 इस तरह से अगर लिखते हैं तो ये हमारा एक स्ट्रिंग डेटा होता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जब भी एक छोटी सी बात है पॉइंट की, जब भी हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे आइसक्रीम नाम के वेरिएबल में, जब भी हम लोग 25 को इंसर्ट कर रहे हैं और 25 इंट नहीं है, 25 इंट है नहीं, 25 इंट नहीं इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग 25 को एज अ स्ट्रिंग इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो जब भी हम लोग 25 को एज अ स्ट्रिंग इंसर्ट करेंगे तो हम लोग ऐसे सिंगल कोटेशन के अंदर उस नंबर को लिखेंगे, इसे हम सिंगल कोटेशन बोलें या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बोलें, तो ही ये ऐसे स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा। मगर अब ध्यान दें हम लोग कि जब भी हम लोग स्ट्रिंग से जब कन्वर्ट करते हैं, है ना, ए में अगर 25 लिखा है जो कि इंट टाइप का है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि ए में 25 लिखा है इंटीजर टाइप का है, और जब मैं इसे स्ट्रिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग फंक्शन, तो मैं यहाँ पे ए लिखूँगा जिस वेरिएबल में मेरा इंट टाइप का डेटा स्टोर है, और ये जब इसे कन्वर्ट करेगा तो ये इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर, तो एक्चुअल में इंटरनली ये इसे इंट को जब स्ट्रिंग बना में कन्वर्ट कर रहा है तो ये सिंगल कोटेशन सिंगल इंट कॉमा लगा दिया, बट जब इसे आउटपुट में प्रिंट करेगा तो हमें देखने में पता नहीं चलेगा, बट ये 25 ही रहेगा, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने आउटपुट में वहाँ देखा था कि द वैल्यू इज, और ऐसे लिख देगा, तो ये एक्चुअल में कन्वर्ट कर दिया इंटीजर टू स्ट्रिंग कर दिया, एक्चुअल में मेमोरी में उन्होंने ये लगा दिया है, ठीक है, सिंगल इनवर्ट कॉमा सिंगल कोटेशन। बट जब आउटपुट में दिखाएंगे हम लोग ये, अब बोलेंगे कैसे कि ऑब्वियस बात, अगर ये नहीं काम किया होता इट मीन्स स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग नहीं होता मीन्स कॉन्कैटिनेशन अगर नहीं हो पाता, हमारा आउटपुट नहीं आता, तो हमें क्या आता, हमें एरर आता। बट हमारा एरर नहीं आ रहा है, हमें एज इट इज़ ऐसे 25 मिल रहा है। इट मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि मैं 25 या 25 ही रह गया था, नहीं, ये हमारा इंट था और ये हमारा स्ट्रिंग है। बट आउटपुट के केस में, आउटपुट का केस होता है, तब आउटपुट में हमें ये ऐसा ही दिखता है। इट मीन्स आउटपुट में हम लोग को ये क्लैरिटी नहीं मिल पाती सिंपल देख के, जिसे जानकारी नहीं है कि वो एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है या फिर वो एक इंट टाइप का डेटा है, है ना। बट जो कोडर होगा जो प्रोग्राम किया होगा उसे पता चल जाता है कि वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है या इंटीजर टाइप का डेटा है। क्यों? क्योंकि उसने पहले कुछ स्टेटमेंट लिखा होगा और फिर प्लस साइन का अगर साइन दिया है और फिर यहाँ वेरिएबल दिया है जिसमें हमारा डेटा स्टोर है, और वो डेटा अगर इंटीजर टाइप का है और उसने अगर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन किया है, एसटीआर लगाया है इसमें, इसका मतलब वो 25 को उसने पहले कन्वर्ट किया है 25 स्ट्रिंग में, ठीक है। तो एक्चुअल मेमोरी में स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है बट हमारा आउटपुट में, ठीक है। इट मीन्स कि 25 जो स्ट्रिंग में, जो कोई भी डेटा स्ट्रिंग में है,
और हमें उसे आउटपुट में उसे हमें वो 25 के रूप में ही दिखेगा, ठीक है, आउटपुट के रूप में। बट अगर हम लोग कोई चीज़ इनपुट करा रहे हैं स्ट्रिंग को, जब हम लोग आउटपुट करा रहे हैं तो वो हमारा इंटीजर जैसा ही दिखेगा। स्ट्रिंग को 25 ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, इसको हम लोग जब आउटपुट करा रहे हैं आउटपुट, तो हमारा ये इंटीजर जैसा ये दिखेगा। बट स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, जैसे यहाँ पर ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है 25, और जब हमें इसे इनपुट करा रहे हैं तो हमें इसे ऐसे ही इनपुट कराना है। हमें अगर स्ट्रिंग टाइप का डेटा को इनपुट कराना है तो ऐसे ही इनपुट कराना है। बट जो हम लोगों ने स्पेसिफिकली कन्वर्ट किया 25 इंट को, वो 25 स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ये ऐसे हुआ इंटरनली। बट जब ये आउटपुट में दिखेगा तो फिर ये इंट जैसा ही दिखेगा, ये सो सिमिलर। दिस इज व्हाट, कि हमें जो दिखता है आउटपुट में स्ट्रिंग टाइप का चीज़, आउटपुट में हमें इंट टाइप का ही दिखता है। मतलब आउटपुट में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है थोड़ा सा कि अच्छा ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है या इंटीजर टाइप का डेटा है, ठीक है। मगर जब भी हम लोग स्ट्रिंग टाइप का डेटा को इनपुट कराते हैं तो वो भी हम लोग इनपुट कराते हैं वो स्ट्रिंग के तरीके से ही इनपुट कराते हैं, इस तरीके से। और आउटपुट में जब कराते हैं तो वो कन्वर्जन जब होता है हमारा, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है इस तरह से, बट हमें दिखता है कुछ इस तरह से, तो वहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि वो स्ट्रिंग का है या इंट का, बट एक्चुअली वो स्ट्रिंग का रहता है, बस दिखता है इंट की तरह है। और सो आपको एक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन में क्या किया गया, प्राइस आइसक्रीम प्लस ब्राउनी दोनों को जोड़ दिया गया। तो अब एक बात और देखें हम लोग, मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले एक पॉइंट, आगे जब देखते हैं तो ये बता दूं आपको 25, ये देखिए 25 है हमारा डेटा, और ये काम जो हम लोग कर रहे हैं प्राइस आइसक्रीम प्लस ब्राउनी, ये काम जो हम लोग कर रहे हैं यहीं पर मैं बता देता हूँ आपको। तो 25 प्लस 45, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया है, इसका मतलब वो डेटा स्ट्रिंग में है, तो वो अपना स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो वो अपना इंटीजर वाली चीज़ों को छोड़ दिया है, मतलब अपना कैलकुलेटिंग पावर को लॉस कर चुका है। तो ये यहाँ पर ये एडिशन ऐड नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये कॉनकैटिनेट होगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे कॉनकैटिनेट तो हम लोग जान ही रहे हैं, तो कॉनकैटिनेट तो हम लोग क्या जान रहे थे, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग जो होगा कॉनकैटिनेट होगा, दोनों स्ट्रिंग में रहना चाहिए। तो यहाँ स्टेटमेंट है अगर, ठीक है, तो और स्टेटमेंट है तो वो कॉनकैटिनेट होगा, है ना, वर्ड है कॉनकैटिनेट होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो कॉनकैटिनेट होगा। बट अगर स्टेटमेंट लिखा है और कोई नंबर लिखा है, जब वो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन से इस तरह से किया हुआ है, तो फिर तो भी वो क्या, वो स्ट्रिंग बन गया, तो स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट हुआ। बट हमें यहाँ पर थोड़ा सा देख है, जब हम लोग रहे तो हमें कुछ ऐसा फील आ रहा है कि दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, बट एक्चुअली दो नंबर ऐड नहीं हो रहा है, ये दोनों स्ट्रिंग टाइप का डेटा ऐड हो रहा है। तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा ऐड हो रहा है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा लगा है, सिंगल नोटेशन है, तो ये दोनों ऐड नहीं होगा, ये दोनों साथ में बस लिखा जाएगा 2545, ठीक है। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं प्राइस आइसक्रीम प्लस ब्राउनी, वो हमारा आउटपुट कुछ ऐसा देगा। ये ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग प्रिंट करेंगे टोटल प्राइस रुपीज़, तो टोटल प्राइस इज रुपीज़ ये हमारा। तो यहाँ पर एक जगह यहाँ पर कौन कंटिन्यूट हुआ, तो हमारा 2545 आया, तो 2545 आ चुका है और वो प्राइस में स्टोर हो गया है। तो इस प्राइस में 2545 स्टोर हो गया है, जो कि भी एक स्ट्रिंग है, दोनों साथ में बस ऐड सट गया, साथ में ऐड नहीं हुआ। और फिर यहाँ पर फिर से जब हम लोग यहाँ पर तो बस जोड़ दिया गया है, हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट को यूज़ नहीं किया है,
बट इस केस में हम लोग यहाँ पर प्रिंट को यूज़ कर रहे हैं, टोटल प्राइस रुपीज़। तो ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है और इस प्राइस में हम लोगों ने यहाँ पे जो यहाँ जोड़ा था, जो यहाँ पर उन्होंने जोड़ा था वो, तो जोड़ करके स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऑलरेडी हम लोगों ने जोड़ा था, स्ट्रिंग स्ट्रिंग जोड़ करके यहाँ पर हमारा 2545 स्ट्रिंग बन गया। तो वो जो मेन स्ट्रिंग बना हमारा, अब वो स्ट्रिंग यहाँ पर है और उसको हम लोग एक स्ट्रिंग स्टेटमेंट के साथ ऐड कर रहे हैं, तो वो दोनों भी साथ में आ जाएगा और प्रिंट होगा द टोटल रुपीज़, ये द टोटल रुपीज़, ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कंटिन्यूट हो गया फिर से, ठीक है। पहले स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कंटिन्यूट होकर के एक वेरिएबल में स्टोर हुआ, तो एक बार यहाँ पर कंटिन्यूशन होगा, बट यहाँ पर हम लोगों ने प्रिंट नहीं किया था, बट नेक्स्ट में हम लोगों ने एक स्टेटमेंट लिखा और फिर हम लोगों ने प्लस करके यहाँ पर प्लस किया था, जो स्ट्रिंग में आया था दोनों 2545, ये स्ट्रिंग को हम लोगों ने ऐड किया, तो ये स्टेटमेंट भी स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग, तो फिर से यहाँ एक बार कॉन कंटिन्यूट, तो ये दो बार कंटिन्यूशन हुआ यहाँ पर, एक बार एक बार यहाँ पर, और इसको हम लोगों ने प्रिंट किया है और इसको हम लोगों ने प्रिंट नहीं किया था। एक्सप्लिसिट टाइप एंड वर्जन स्ट्रिंग टू इंटीजर, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, अगर प्राइस इंट आइसक्रीम, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस इंट आइसक्रीम, तो इंट आइसक्रीम, आइसक्रीम में हमारा डेटा जो था वो हमारा डेटा क्या था, आइसक्रीम में हमारा डेटा था 25 इंट में, आइसक्रीम में हमारा डेटा था 25, बट इस यहाँ इंट फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसे, ये स्ट्रिंग था इसे हम लोगों ने 25 इंट में बदल दिया। फिर यहाँ पर ब्राउनी भी हमारा था क्या, आई थिंक 45 था, तो 45 भी स्ट्रिंग में था, इसे हम लोगों ने इंट करके इसे इंट में बदल दिया और फिर हम लोग इसे ऐड कर रहे हैं, तो मीन्स ये 25 प्लस 45 इंट होगा, इंट जो है वो ऐड हो जाएगा 70, क्योंकि ये ऐड हो रहा है इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद, तो 25 str 25 इंट में, और ये 45 str 45 इंट में, और फिर ऐड करके प्राइस में सेव कीजिए, प्राइस नाम वेरिएबल में सेव हो गया, साइन हो गया, और फिर यहाँ पर भी हम लोगों ने प्रिंट नहीं किया है। फिर अब यहाँ पर हम लोग इस प्रिंट में द टोटल प्राइस रुपीज, यहाँ पर फिर से हमारा एक स्ट्रिंग डेटा हो गया और फिर हमें इसे प्रिंट करना है, फिर हम लोग ये प्राइस, ये जो स्टोर है ये प्राइस में हम लोगों ने 70 स्टोर हुआ, ये तो इंट है, फिर हमें इसे प्रिंट करना है प्लस की मदद से, तो फिर यहाँ पर हमारा ये स्ट्रिंग और प्लस ये जो प्राइस है ये तो इंट था, फिर हमें प्लस करना है तो दिक्कत आएगा, तो फिर हम लोगों ने इसे स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग ये प्रिंट हो जाएगा, क्या द टोटल प्राइस रुपीज़ 70। और देखिए मैंने आपको यहाँ बताया था कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, ये हमारे इंट में, इंट में हमारा ये 70 है, बट जब स्ट्रिंग में होगा तो ये एक्चुअल में ऐसे हो जाएगा सिंगल नोटेशन के अंदर, सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर, बट मैंने क्या बोला कि जब ये आउटपुट में दिखेगा है ना, तो ये नॉर्मल इंट के तरह ही दिखेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा ये इंट है या स्ट्रिंग है नॉर्मल यूज़र को, क्योंकि वो तो हमारा क्लाइंट हमारा देखता है। तो देखिए ये 70 हमारा ये स्ट्रिंग है और ये भी हमारा स्ट्रिंग है और दोनों कौन कंटिन्यूट हुआ है कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग कौन कंटिन्यूट होगा, क्योंकि दोनों सेम होगा स्ट्रिंग, और तो हमारे कौन कंटिन्यूशन प्रोसेस पूरा हुआ और हमारा ये प्रिंट किया गया, तो हमारा ये आउटपुट आ रहा है, बट हमारा यहाँ पर कोई भी सिंगल इनवर्टेड कॉमा नहीं है, जो मैंने आपको बोला इंटरनली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि प्राइस में क्या था हमारा, प्राइस में 70 था हमारा इंट, फिर हम लोगों ने जब किया str किसे प्राइस को, तो प्राइस का डेटा जो 70 था वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर के इंटरनली 70 ऐसे हुआ विद इन सिंगल इनवर्टेड कॉमा या सिंगल कोटेशन, तो ये इंटरनली हुआ स्ट्रिंग में, बट जब इसे हम आउटपुट में दिखाएंगे तो ये नॉर्मल 70 जैसा ही दिखेगा, जो कि एक इंट की तरह ही दिखेगा। सो थैंक यू, ये मेरा कुछ वीडियो थोड़ा लंबा चला गया, सो हम लोग आज का टॉपिक बस यहीं तक रखते हैं, कन्वर्जन हम लोगों ने अपने उस वीडियो लेक्चर में देखा था, लास्ट वीडियो लेक्चर सीरीज लेक्चर नंबर लास्ट में, बट इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने
बस एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को देखा है, और ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर है। अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं हमारे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का। चाहें तो हम लोग इसी कोड को रन कर लेंगे। तो हमारा पहला प्रोग्राम ये था, प्रोग्राम ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू फ्लोट। हमारे पास दो ऑप्शन दिया, तो हम लोग इसी को कर लें या तो फिर हम लोग एक नया प्रोग्राम खुद का लिख लें। आइए एक कोड हम लोग इसी का लिख कर देखते हैं, फिर तो चेंजेस होने होते रहेंगे सिर्फ, है ना। तो लेट्स डू वन थिंग, या तो हम लिखें, लिखने में या तो टाइम वेस्ट होगा, तो हम लोग चाहे तो इसे कॉपी कर सकते हैं। लिख ही लेते हैं इसे हम लोग, इंप्लिसिट कन्वर्जन। So now हम लोगों ने यहाँ पर ये हम लोगों ने फैटोल का कोड किया था, और एक नया कोड करते हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं, और हम लोग चाहें तो इसे हम लोग अपने दो मेथड से हम लोग कोडिंग करते हैं, है ना। एक हम लोग करते हैं कौन से मेथड में, इंटरैक्टिव मोड, और एक होता है हमारा स्क्रिप्ट मोड। ये हम लोग स्क्रिप्ट मोड में ये इसे हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। सो ए में हम लोगों ने स्टोर किया 1, फिर बी में हम लोगों ने स्टोर करने की कोशिश की है 2, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 लिखा हम लोगों ने। फिर सी में हम लोग दोनों को ऐड कर लिखेंगे और प्रिंट करेंगे। हम लोगों ने प्रिंट करने की कोशिश की सी को, उसके बाद क्या करना है, हमें प्रिंट करना है टाइप सी का। प्रिंट फंक्शन के अंदर, टाइप फंक्शन के अंदर पास करेंगे हम लोग सी को। उसके बाद एक डी नाम के वेरिएबल में फ्लोट करके दोनों को नम वन नम टू को ऐड कर स्टोर करेंगे। हम लोगों ने उतना बड़ा नहीं लिखने के लिखा है वेरिएबल का नाम।
देखिए हम लोगों ने फ्लोट किया और एक नया वेरिएबल स्टोर किया डी नाम के वेरिएबल में, और फिर स्टोर किया उसे हम लोग प्रिंट करेंगे और फिर टाइप प्रिंट करेंगे। अगले में हम लोग प्रिंट के अंदर टाइप प्रिंट करेंगे इसी का डी डी का, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम बनकर रेडी है। देखिए हम समझते हैं इसे हम लोग इस तरह से। जैसे कि हमारा कोड जो था, ठीक है, जैसे हमारा कोड था वन, नम वन था यहाँ पे, तो हम लोगों ने लिया था ए में वन, बी में लिया था हम लोगों ने टू, ठीक है। ये कोड को हम लोग समझें, और यहाँ पर हम लोगों ने सी में ए प्लस बी किया था, मतलब टू प्लस वन किया था, तो हमारे पास यहाँ आ रहा है थ्री, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास थ्री, पहला प्रिंट कराया हम लोगों ने। फिर जो थ्री हमारे पास आया उसका हम लोगों ने टाइप प्रिंट कराया, तो टाइप मैंने बताया था आपको क्लास इस तरह से लिख करके आएगा, सिंटैक्स से एंगुलर ब्रेसेस के अंदर क्लास स्पेस फिर देन सिंगल इनवर्टेड कॉमास या सिंगल कोटेशन के अंदर उस डेटा टाइप का नाम, तो इंट है थ्री। फिर डी में हम लोगों ने फिर से उन दोनों को ऐड कराया, उसको फ्लोट वैल्यू लिखा, तो फ्लोट थ्री को थ्री पॉइंट जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने उसका टाइप प्रिंट कराया, तो हमारा टाइप आ गया क्लास का फ्लोट, ठीक है। तो हम लोग ओरिजिनल जो इसे कोड उसे देख लेते हैं, डी में हम लोगों ने प्रिंट कराया था, टाइप डी हो गया इसका फ्लोट, ठीक है। ये टाइप कन्वर्जन हम लोगों ने समझे। अब है हमारे पास अगला, तो अगला क्या है हमारे पास 10.2 डेटा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन प्रोग्राम ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोट टू इंट, फ्लोट से हम लोग इंट में कन्वर्ट करा रहे हैं, ठीक है। फ्लोट के लिए हम लोगों ने डेटा में क्या चेंजेस किया, 10.2 ले लिया, 20.6 ले लिया, फिर हम लोग ऐड करा रहे हैं और फिर हम लोग प्रिंट करा रहे हैं और फिर हम लोग उसका टाइप चेक करेंगे, और वापस चूँकि ये फ्लोट में, तो वापस से हम लोग उसको इंट में कन्वर्ट करेंगे और नंबर को प्रिंट करेंगे और फिर नए वेरिएबल में जो डाले फिर उसका टाइप चेक करेंगे। कुल मिला के हमें नंबर, हम लोग का जो नंबर चेंज होगा इसमें, हम लोग को फ्लोट टाइप का डेटा लेना है, फ्लोट टाइप का डेटा लेना है, और जो नम थ्री जैसे जो थर्ड वेरिएबल इसमें स्टोर कर रहे हैं ऐड करके फर्स्ट टाइम, यहाँ पर जो हम लोग ऐड कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, यहाँ पर हम लोग को विद इन ब्रैकेट लेना है ना, विद इन ब्रैकेट हो गया, फिर प्रिंट नम थ्री, फिर प्रिंट टाइप, और फिर एंड कर देना है, फ्लोट है तो वापस से एंड होगा, जल्दी से कर किया जाए। तो डेटा मैंने सपोज ले लिया 1.1, ठीक है, 2.2, ठीक है। सी में मैंने यहाँ जो ऐड कराया है मैंने इसे विद इन ब्रैकेट ले लिया, ठीक है। तो ए में हम लोग क्या करा रहे हैं 1.1, और बी में 2.2, सी में हम लोगों ने ऐड कराया और ऐड करके जो आएगा जैसे क्या आएगा हमारे पास 3.3, उसको हम लोग प्रिंट कराएंगे 3, फिर टाइप बताएगा, टाइप क्या हुआ 3 का विद इन एंगुलर ब्रेसेस क्लास स्पेस सिंगल इनवर्ट कॉमा या सिंगल कोटेशन के बीच में फ्लोट, फिर एंगुलर ब्रेसेस बंद, फिर डी फ्लोट, फिर डी, अच्छा यहाँ पे हम लोगों को टाइप इंट करना है क्योंकि फ्लोट है तो इंट करना होगा हमें, ठीक है, ताकि हम लोग 1.1 को 2.2 को इंट बना सके, वो उसको इंटीग्रल वैल्यू लेगा, इंटीग्रल लेगा तो 1.1, अच्छा मगर हाँ मुझे नहीं, तो नंबर को हमें चेंज करना होगा, तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा इंट वाला कौन सा लिया और फ्लोट वाला कौन सा लिया। यहाँ पर तो इस वाले पॉइंट में तो हमारा पूरा वैल्यू होल वैल्यू जब 1.1 प्लस 2.2 ऐड होगा, बट यहाँ पर जो एंड लेंगे पॉइंट के पहले वाला, क्योंकि पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला ही हमारा इंटीरियर पार्ट होता है, पॉइंट के राइट साइड वाला हमारा एक्चुअल पार्ट होता है, तो हमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कौन सा पार्ट है, तो इसमें चलिए ले लेता हूँ
1.3, यही सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें समझने में, पढ़ने पढ़ाने में ध्यान रखनी होती है ताकि कोई क्लियरिटी ना हो। जैसे अब मैं वो ऐड कर दे, तो यहाँ पर जो हम लोग है डी में इंट, तो मैं बोलूँगा बस वो ऐड कर रहा है और उसे वो इंटीग्रल पार्ट, तो इंटीग्रल पार्ट कर रहा है तो ए प्लस बी वो ऐड तो कर देगा, तो ऐड करके जो भी आता हमारे पास 3.3 आता उस केस में, 1.1 और 2.2 के केस में 3.3 आता, उसको इंटीग्रल पार्ट लेता 3। तो हमें ये, तो हमें क्या हो जाता, हम ये बात ही कन्फ्यूज़न हो जाती, ये बात ही कन्फ्यूज़न हो जाती 1.1 और 2.2 में, 3.3 तो ले लिया, अब इसे हम लोग इंट करेंगे तो 3.3 इसका ये 3 हुआ या फिर ये 3 हुआ, है ना, इसलिए हम लोगों ने नंबर को चेंज किया। अभी ये चलिए हम 1.2 ले लेते हैं और 3.4 ले लेते हैं, तो फिर हमारे 6 और ये 4 आएगा, तो पता चलेगा ये इंटीग्रल, तो अगर इंटीजर किया तो ये 4 लेगा, है ना, क्योंकि ये हमारा पॉइंट के पहले वाला इंटीग्रल पार्ट होता है, पॉइंट के बाद वाला हमारा फ्रैक्शनल या डिसिमल पार्ट होता है, तो ये 4 आएगा, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने नंबर चेंज किया। 1.3 या 2.4 है हमारे पास, तो अब हम लोगों ने फ्लोट डेटा है, तो बाद में हम लोग रिप्रिंट करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.7, फिर टाइप कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा फ्लोट, फिर डी इंट दोनों को जोड़ के इंट इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास आएगा ओनली 3, जोड़ने के बाद 3.7 आ रहा है, तो उसका पॉइंट के पहले वाला पार्ट जो इंटीग्रल पार्ट है, पॉइंट के पहले पहले वाला पार्ट जो इंटीग्रल पार्ट है 3, बाद वाला पार्ट राइट हैंड साइड वाला पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट वो तो नहीं आएगा, तो ओनली 3 वुड बी सेव्ड इन डी, तो प्रिंट डी में लाइन नंबर 7 में 3 आ जाएगा और टाइप डी उसका फिर इंट आ जाएगा। चलिए इसे देखते हैं, ठीक है, तो अब देख पा रहे हैं शुरुआत में हम लोगों ने उसे ऐड किया तो वो ऐड हो गया पूरा होल नंबर, पूरा नंबर, और सर क्लास क्या बताएगा फ्लोट, फिर जब हम लोगों ने उसे ऐड करके इंट में कन्वर्ट किया तो वो बस पॉइंट के पहले वाला पार्ट जो 3.7 है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट 3 है उसे उठाया, और फिर जब हम लोगों ने उसका टाइप चेक किया प्रिंट कराया वो हमें इंट बता रहा है, तो ये क्लियर होगा आपको। और नेक्स्ट में देखें, नंबर्स और टाइप कन्वर्जन बिटवीन नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स, है ना, नंबर्स एंड स्ट्रिंग, ये छोटा सा कोड है, सिंगुलैरिटी के लिए मैं थोड़ा यहाँ इसे रब कर देता हूँ, कोड को समझ, जैसे कोई बड़ा कोड नहीं है, है ना, हम लोगों ने दो वेरिएबल लिया है, एक मैंने D5 को लिखा है, दूसरे मैंने एक नंबर दूसरे नंबर को लिखा है, फिर हम लोगों ने तीसरे वेरिएबल में दोनों को जोड़ा है, और फिर फोर्थ लाइन में हम लोगों ने एक स्टेटमेंट लिखा है कि टोटल अमाउंट क्या हुआ, और फिर प्लस का साइन दे करके जो तीसरे वेरिएबल में हम लोगों ने दोनों वेरिएबल डेटा को जो ऐड करके लिखने की कोशिश की है तो प्लस साइन दिया है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पर हमारा मेन हमारा था कि ये एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है और ये तो हमारा इसमें तो हमारा एक नंबर होगा, है ना, 70 होगा, तो ये इंटीजर टाइप का डेटा था, स्ट्रिंग प्लस इंटीजर में एरर आ जाएगा, ये कॉन्कैटिनेशन नहीं कर पाएगा, है ना, कि हमेशा कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग में होता है, कॉन्कैटिनेटिंग द स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग एंड इंटीजर, ठीक है, तो आइए इसे लोग करके देखते हैं। चलिए इसका काम हमारे पास नहीं है, हम लोग इसे रब करते हैं, ए में सपोज मेरे पास 1 है, बी में सपोज मेरे पास 2 है, और सी में हम लोगों ने क्या किया, सी में हम लोगों ने ए प्लस बी किया है, ठीक है, फिर प्रिंट में हम लोगों ने
बिना कॉमा लिखा है, सिंपल टोटल इज, ठीक है, ऐसे कुछ हम लोगों ने किया। उसके बाद फिर ये दोनों इन्वर्ट कॉमा जो लिखा है वो एज इट इज़ आएगा, फिर हम लोगों ने प्लस का साइन दिया है और फिर हम लोग सी को लिखेंगे, यही है, ऐसा ही कुछ है। एक वेरिएबल में हम लोगों ने एक वैल्यू लिया है, इंटीजर वैल्यू, दूसरे में भी इंटीजर वैल्यू लिया है, तीसरे वेरिएबल में हम लोगों ने दोनों वेरिएबल को जोड़ा है, दोनों वेरिएबल को जोड़ा है हम लोगों ने। उसके बाद फिर फोर्थ लाइन में हम लोगों ने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है और विद इन राउंड ब्रैकेट विद इन सिंगल इनवर्टेड कॉमा पर हम लोगों ने कुछ स्टेटमेंट लिखा है, फिर प्लस साइन दिया है। उसके बाद फिर हम लोगों ने उस तीसरे वेरिएबल जिसमें हम लोगों ने डेटा स्टोर किया था उसको हम लोगों ने लिखने की कोशिश की है। तो देखें इसे क्या होता है, ये एरर जनरेट करना चाहिए इसे, इस टाइप का एरर ये आएगा जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पर, ये हमारे पास आएगा टाइप एरर। लेट्स सी कि वो आता है या नहीं, या फिर कुछ और एरर आता है। क्या देखा आपने, टाइप एरर, टाइप एरर can only concatenate str not int line number 4 है ना। तो ये क्या करेगा, सिर्फ concatenate करेगा string type को, data को, string data type को, not int, int को नहीं करेगा है ना। और ये किसे concatenate करेगा, string को, can only concatenate string to string, string और string जो है वो आपका वो बस सिर्फ वही concatenate करेगा, str string और plus string, बस यही यही concatenate करेगा, बाकी स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कौन, स्ट्रिंग प्लस इंट कॉन्कैटिनेट नहीं करेगा। यही बात हमें बताया गया है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। ट्रेस बैक, टाइप एरर कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्टीयर, ठीक है, समझा हम लोगों ने। आगे देखते हैं, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स वन मोर प्रोग्राम टू शो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, इसे हम लोग देखें टाइप कास्टिंग। इस वाले कोड को यहाँ पर क्या किया गया है, जो एरर आ रही थी हम लोगों ने उसे ठीक किया है, हम लोगों ने क्या किया उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो ताकि हमारा एरर ना आए। चलिए हम भी करते हैं और इसे देखते हैं, इस एरर को हमें हटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस है ना, हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर, str लगाना है, स्ट्रिंग फंक्शन लगाना है, ताकि c में जो डेटा स्टोर है इंटीजर टाइप का वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। प्लस str प्रिंट टोटल इज, तो अब क्या प्रिंट होगा, टोटल इज, तो जो स्ट्रिंग डेटा टाइप था और सी, सी में जो लिखा था, सी हमारा में जो डेटा था वो 3 था, वो एक इंटीजर था, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने बताया स्ट्रिंग कन्वर्ट होगा तो वो 3 सिंगल यूनिट कॉमा के अंदर होगा, बट हमें जो प्रिंट होगा आउटपुट में जब भी स्ट्रिंग डेटा दिखेगा वो ऐसा फील आएगा कि वो इंटीजर ही है, तो नॉर्मल यूज़र को कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है, बट एक्चुअल में वो स्ट्रिंग डेटा ही होगा, वो इंट नहीं होगा। बट उसी अगर स्ट्रिंग डेटा को हम लोग इनपुट कराएंगे तो हम लोग एक स्ट्रिंग की मदद से ही इनपुट कराएंगे, तो हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, द टोटल इज 3 और कोई एरर नहीं आएगी, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो चुका होगा, टोटल इज 3, ठीक है फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।
नाउ लेट्स मूव अहेड। ये मूव कर लिए और हमारा ये ब्लास्ट है प्रोग्राम टू शो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। प्रोग्राम 5-9 इसे हम लोग देख लें एक सेकेंड। तक हमारा है आउटपुट, आउटपुट इनपुट दोनों है। इट्स नथिंग बट फॉर क्लैरिटी पर्पस ठीक है। प्रोग्राम टू शो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन प्रोग्राम 5-9 ठीक है। ये तो हमारा कमेंट्री है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ये हमारा कमेंट्री है, यहाँ तक हम लोग स्किप कर सकते हैं ठीक है। ऐसे भी हमें यहीं तक रखना है आउटपुट, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन नहीं चाहिए। यहाँ भी 17 ठीक है, यहाँ तक देखिए यहीं तक हमारा काम हो जाएगा। नाउ तो यहाँ पर यहाँ से तुम्हारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ठीक है। तो एक वेरिएबल में हम लोगों ने किस तरह डेटा डाला, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन को देखते हैं। तो हम लोगों ने ए में हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग टाइप के डेटा को डालते हैं, वही वन को हम लोग सिंगल इनवर्ट कॉमा के अंदर रख देंगे तो वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा बन जाएगा। और बी में भी वही काम करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक थर्ड वेरिएबल में दोनों स्ट्रिंग टाइप डेटा को जोड़ेंगे और फिर फोर्थ लाइन में हम लोग प्रिंट कराएंगे उस तरह से कि द टोटल इज और फिर प्लस तो थर्ड वेरिएबल है। यहाँ पर ये हमारा ये एरर नहीं शो करेगा, मतलब कहने का मतलब अभी हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रिंग लगाया। और स्ट्रिंग क्यों लगाया, यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग क्या जान रहे हैं कि अगर स्ट्रिंग नहीं लगाएंगे तो वन और टू हमारा इंटीजर है और इंटीजर डेटा और यहाँ टोटल इज स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग प्लस इंटीजर और कंटिनेट नहीं होगा तो एरर शो होगा टाइप या टाइप एरर। तो हम लोगों ने हमें यहाँ भी स्ट्रिंग चाहिए तो स्ट्रिंग है टोटल इज, जैसे स्ट्रिंग करने के लिए हमने स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ किया और सी को पास किया तो हमारा वो 3 इन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ और स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग और कंटिनेट हुआ, बशर्ते वो अपना कैलकुलेटिंग पावर को लॉस किया बट टोटल इज 3 प्रिंट हुआ हमारे पास ठीक है। बट अब हम ऑलरेडी यहीं पर इसे स्ट्रिंग टाइप का डेटा को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इसे इंटीजर टाइप का डेटा को स्ट्रिंग में बाय अप्लाइंग सिंगल इनवर्टेड कॉमा। क्या किया हम लोगों ने, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी किया ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी किया। अब हम लोग फिर से इसे प्रिंट कराएंगे तो अब हमें इसे स्ट्रिंग बदलने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि स्ट्रिंग स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग स्ट्रिंग जब ये हम लोग यहाँ पहला बात हम लोग जब ये ऐड करेंगे इसे है ना, ए प्लस बी करेंगे हम लोग ए प्लस बी करेंगे और हम जानते हैं कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ऐड होता है तो वो क्योंकि स्ट्रिंग है वो अपना कैलकुलेटिंग पावर खो चुका है, वो नंबर नंबर को जो हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं, एक इंटीजर को हम लोग जब स्ट्रिंग बनाते हैं, एक फ्लोट को हम लोग नंबर में भी हम लोग क्या जानते हैं नंबर के टाइप के अंदर इंट और फ्लोट आता है, तो इंट को या फ्लोट को जब भी हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं वो अपना कैलकुलेटिंग पावर खो चुका है। तो अब ये वन जो कि सिंगल इनवर्टेड कॉमा और टू जो सिंगल इनवर्टेड कॉमा में है इसे जब हम लोग ऐड कर रहे हैं ये दोनों नॉर्मली ऐड नहीं हो रहा है क्योंकि वो थ्री नहीं देगा हमें ठीक है, वो हमें थ्री नहीं देगा, वो ऐड नहीं होता है, वो क्या होता है बस साथ में लग जाते हैं, वो लोग साथ में अटैच हो जाते हैं। ऐसा कि हम लोग बचपन में सुनते थे कि 1+1 इज़ नॉट 2, 1+1 इज़ 11, मीन्स क्या वो 1+1 को एज अ कोड की बात करें तो वो 1+1 और 1 को एक स्ट्रिंग की तरह देख रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर 1 और 1 क्या हुआ हमारा, इसीलिए हमारा 1 और 1 जो है वहाँ पर
टू ना होकर वन और वन इलेवन हो गया, क्योंकि वो हम लोग जो बोलते हैं वन और वन क्या हुआ, बच्चों को जो हम लोग बोलते हैं वन और वन, तो वो इलेवन जो बोलते हैं वो कोडिंग की भाषा में समझें तो वो स्ट्रिंग तरह का है, तभी तो वो ऐड नहीं हो पाया, क्योंकि वन और वन तो अपने कैलकुलेटिंग पावर को लॉस कर चुका है ना, वो सिंगल डिजिट कॉमा में है, इसीलिए वो हमारा वो आया साथ में वन और वन इलेवन। बट अगर वो एक्चुअल नंबर होता तो वो हमारा वन प्लस वन टू हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसे, अब तो हमें इसे स्ट्रिंग में रखने की ज़रूरत नहीं होगी, ये वन और टू क्या हो गया, ट्वेल्व हो गया, जो कि सी में स्टोर हो गया, ठीक है, साथ में हो गया वन टू। अब टोटल इस तो सी जो डेटा है, सी में जो डेटा है ट्वेल्व वन टू है ना, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, टोटल इस पहले से स्ट्रिंग में है और सी में भी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो जाएगा, तो इसलिए हमें स्ट्रिंग लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये इंटरनल ब्रैकेट है, हम लोग बस सी लिख देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। आइए इसे देखें पहले, ठीक है, तो हमारे पास अगर हम लोग बस इतना ही प्रिंट कराते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल इज व्हाट, टोटल इज वन टू, टोटल इज वन टू, टोटल इज वन टू हमारा प्रिंट हो गया। अब हम नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर है हमारे पास, आगे हम लोग इसी में क्या करते हैं, हम लोग दोनों डेटा को ऐड करते हैं और ऐड करते टाइम ही हम लोग दोनों डेटा को पहले अलग अलग अपना अपना इंट बना करके एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर करते हैं और फिर हम लोग उसे प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर अब जब हम लोग दोनों डेटा को जो कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग में, दोनों को हमने जब सेपरेटली इंट इंट में कन्वर्ट करके और कन्वर्ट्स और कन्वर्ट कैसे करना है, एट द सेम लाइन हमें एडिशन करना है और एडिशन के टाइम में वो दोनों वेरिएबल में साइमल्टेनियसली हमें उनको कन्वर्ट कर देना है, कन्वर्ट करने के बाद ऐड करना है, तो कन्वर्ट हो जाएंगे स्ट्रिंग में तो एक्चुअल नंबर में आ जाएंगे, है ना। जैसे वन टू क्या होगा, हो जाएगा हमारे कोड में वन और टू नॉर्मल नंबर बन जाएगा वन टू का, है ना, और जब वो ऐड होगा नॉर्मल वन टू तो वो हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा वन यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा टू, और वो थ्री में सी में नेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और फिर हमारा जो ये हम प्रिंट करेंगे अगर ये, तो ये स्ट्रिंग रहेगा और फिर ये तो हमारा थ्री इंटीजर था, फिर इंटीजर को प्रिंट होने में दिक्कत होगी, कॉन्केटिनेशन करने में प्लस है तो फिर हमें यहाँ पर एसटीआर लगा करके उसे स्ट्रिंग बनाना होगा। आइए देखते हैं इसे, नेक्स्ट लाइन में करते हैं इसे, हम लोग बस सीधे ऐड कर देंगे अब सीधे, है ना, हम लोग का यहाँ तक तो हो गया है, अब हम लोग सीधे इसे थर्ड वेरिएबल में डी में सपोज हम लोगों ने इसे क्या किया, इंट बनाया सेपरेटली, इंट बनाया किसे, ए को बनाया इंट, फिर हम लोग ऐड कर रहे हैं, फिर हम लोगों ने इंट बनाया किसे, बी को, ठीक है, और दोनों को इंट बनाने के बाद हम लोग इसे बस इसे प्रिंट करना है, हाँ हम लोगों ने इसे प्रिंट करना है, प्रिंट फंक्शन, टोटल इज प्लस
और प्लस हम लोगों ने कर देना है सी, सॉरी डी, डी में हम लोगों ने किया ये काम, डी है ना, तो डी में हम लोगों ने ये काम किया है। और डी, अब इस डी को, अब यहाँ पर तो हमारा ये टोटल इज स्ट्रिंग है, टोटल इज हमेशा स्ट्रिंग ही है इन्वर्ट कॉमा के अंदर, ठीक है। आइए यहाँ पर एक सेमी कॉलन लगाए थे, वो तो सुंदर दिखने के लिए है। फिर प्लस डी, तो डी में हम लोगों ने ये काम किया है कि दोनों वेरिएबल ए और बी को साइमल्टेनियसली हम लोगों ने इंट में कन्वर्ट किया है और साथ में ऐड भी कर दिया और फिर डी में स्टोर किया। तो डी में अब इंट और इंट में जब कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ये वन, एसटीआर वाला वन जो कन्वर्ट हुआ वो नॉर्मल वन बना, एसटीआर वाला टू कन्वर्ट हुआ नॉर्मल टू बना, और वन और टू इंट इंट में ऐड हुए तो थ्री हुआ, डी में थ्री स्टोर हुआ। तो थ्री तो इंट टाइप का है, और फिर से यहाँ टोटल इज जो है स्ट्रिंग टाइप का है जो प्रिंट करा रहे हैं हम इस लाइन में। तो स्ट्रिंग प्लस इंट फिर हमें दिक्कत करेगी ऐड करने में, कॉन्कैटिनेशन करने में, बिकॉज कॉन्कैटिनेशन विल इन कॉन्कैटिनेशन प्रोसेस इट विल कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग्स। तो हमारे पास तो एक स्ट्रिंग है और एक इंट है, तो फिर से हमें यहाँ पर स्ट्रिंग करना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसे स्ट्रिंग करेंगे एसटीआर, फिर डी पास करेंगे। अब प्रिंट का एक और दूसरा पेयर का दूसरा ब्रेसेस दे दिए, अब हुआ ये पूरा, और अब हम इसे प्रिंट करेंगे। आइए देखते हैं, इसे टोटल इज 12, ये शुरुआत वाला हमारा 1 2 का है ना, शुरुआत वाला हमारा जो ए में 1 था और बी में 2 था, दोनों को हम लोगों ने स्ट्रिंग को ऐड किया तो ऐड होगा नहीं, दोनों स्ट्रिंग साथ में हो जाएंगे तो 1 2 हो गया, और फिर जो 1 2 हो गया तो स्ट्रिंग हो गया। फिर हम लोग प्रिंट किए टोटल इज, तो टोटल इज एसटीआर था, और फिर सी वेरिएबल में हमारा जो 1 2 स्टोर था ऐड होने के बाद, ऐड मतलब जो साथ में हो गया था 1 2, फिर टोटल इज एक एसटीआर हुआ और एक 1 2 जो सी में स्टोर है वो एक एसटीआर है, फिर से एसटीआर और एसटीआर कॉन्कैटिनेट हुआ, टोटल इज 1 2 लिखा, इट्स लाइक 12। बताया हम लोगों ने कि जब भी आउटपुट होता है वो एक्चुअल में वो एसटीआर ही है, कि एसटीआर प्लस एसटीआर ऐड हुआ तो वो दोनों साथ में ऐड नहीं हुआ, वो बस 1 और 2 एसटीआर साथ में लिखा गया 1 2। बट हमारा हम लोगों ने क्या बोला कि वो सी में जो एसटीआर स्टोर है वो हमें आउटपुट में 1 2 विद इन सिंगल इंट कॉमा या सिंगल नोटेशन में नहीं दिखता है हमें आउटपुट में। आउटपुट में हमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा, अगर नंबर का वो स्ट्रिंग है, नंबर को हम लोगों ने स्ट्रिंग बनाया है, चाहे वो नंबर वो इंटीजर टाइप का हो चाहे वो नंबर फ्लोट टाइप का हो, उसे हम लोगों ने जब स्ट्रिंग में बनाया है ना, जब भी वो सिंगल इंट कॉमा के विद इन हो या फिर वो, या फिर हम लोग बोलते हैं उसे सिंगल नोटेशन के विद इन हो, बट हमें आउटपुट में वो डेटा जो कि नंबर का डेटा या इधर वो इंटीजर का टाइप का या फ्लोट का, उसे जब उन्होंने स्ट्रिंग बदल दिया, इंटीजर को स्ट्रिंग बदल दिया या फ्लोट को स्ट्रिंग बदल दिया, सिंगल नोटेशन के बीच में है वो, सिंगल इनवर्ट कॉमा के बीच में है, मगर वो आउटपुट में हमें वो शो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें आउटपुट में पता नहीं चलता। तो यही वही हमारा यहाँ पहला जो आउटपुट आया है टोटल इज़ 1 2, तो वो 1 2 है एक्चुअल में, वो स्ट्रिंग है बट हमें दिख नहीं रहा है वो, जो मैंने बात की थी। और नीचे भी हमारा देखिए टोटल इज, तो हम लोगों ने क्या किया, सेपरेटली एक ही लाइन में ए और बी, जो ए हमारा स्ट्रिंग एसटीआर था 1 का, उसे हम लोगों ने नॉर्मल 1 बनाया, और साइमल्टेनियसली हम लोगों ने जो बी में एसटीआर 2 था उसे हम लोगों ने नॉर्मल इंटीजर का 2 बनाया, और एट द सेम टाइम सेम लाइन सेम कोड सेम स्टेटमेंट हम लोगों ने उसे ऐड किया, तो 1 + 2 नॉर्मल 1 2 3 हो गया जो हम लोगों ने डी में स्टोर किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने नेक्स्ट में प्रिंट में टोटल इज, तो टोटल इज एसटीआर है, और फिर हम लोगों ने डी को प्लस करने की कोशिश की, तो डी तो हमारा एसटीआर, टोटल इज एसटीआर, और डी में तो इंट था, तो फिर से हम लोग को उस डी जिसमें हमारा 3 है वो तो इंट है, तो उसे ऐड करने के लिए, कॉन्कैटिनेट करने के लिए डी को हम लोग फिर से एसटीआर में बदले यहाँ पर, बदले जो कि मैंने दिखा है। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर ये आया टोटल इज 3। तो कहने का मतलब आप ये देख रहे हैं डेटा, और आप ये भी देख रहे हैं कि टोटल इज 3 ये जो है हमारा, तो हम लोगों ने यहाँ पे एसटीआर कर किया है ताकि हमारा ये स्ट्रिंग, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है यहाँ पर, हमारा ये इंटेंशन है 6th लाइन में कि टोटल इज एसटीआर है, और डी में जो 3 डेटा स्टोर है वो भी एज ए स्ट्रिंग दिखे। तो आप ये ध्यान दें, लाइन नंबर 6 में जो हमारे पास डी है जिसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, क्या हमें ये डी जो कि स्ट्रिंग में कन्वर्टेड है होकर प्रिंट हुआ है, और 4th लाइन में जो सी है जो कि नॉर्मल इंट है, उन्होंने कोई कन्वर्जन नहीं किया यहाँ पर,
है ना, मतलब सी में क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी है, और ए प्लस बी है तो ए प्लस बी क्या है, वो भी वन और टू को ऐड किया है, और वन टू नॉर्मल में तो नहीं है, स्ट्रिंग में है वन और टू, और वो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वन टू है, तो वहाँ पर भी टोटल इज वन टू, तो वहाँ पर भी स्ट्रिंग है, तो हमें स्ट्रिंग में कहीं पर भी वो नहीं दिख रहा है कि इन सिंगल इन्वर्ट कॉमा है, तो हमारे आउटपुट में जैसे मैंने बताया कभी भी हमें ये नहीं देखने को मिलता कि वो स्ट्रिंग का डेटा है ना, स्ट्रिंग का डेटा तो जानते हैं सिंगल इन्वर्ट कॉमा के बीच में होता है, और हमारा सिंगल इन्वर्ट कॉमा ये होता है इसके बीच में, या सिंगल रोटेशन बोल लें, बट हमें आउटपुट में कभी वो देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए आउटपुट में जैसे कोई नॉर्मल यूज़र होगा उसे मैसेज डिस्प्ले होगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि वो एक नॉर्मल इंटीजर टाइप का नंबर है, या फिर वो फ्लोट का है तो फ्लोट टाइप का नंबर है, या नॉर्मल इंटीजर है या नॉर्मल फ्लोट है, उसे पता नहीं चलेगा। मीन्स इट मे बी अ स्ट्रिंग, एक नंबर जो कि हम लोगों ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया हो, है ना, इट मे बी अ इंटीजर जो कि हम लोगों ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया हो, इट मे बी अ फ्लोट जो कि हम लोगों ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया हो, बट ये बात उसे दिखेगा नहीं, उसे अज्यूम होगा कि ये एक नॉर्मल नंबर है, एक नॉर्मल इंटीजर, एक नॉर्मल फ्लोट है, उसे इस बात का आभास ही नहीं होगा, वो फील ही नहीं कर पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा, बट जो कोडर होगा वो समझ जाएगा। जैसे कि आपको मैं एक सिंपल बात बताऊं यहाँ पर, अब जैसे मैं कर देता हूँ ई इज इक्वल टू सिक्स, मैं लिख दिया एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, अब मैंने कर दिया जी इज इक्वल टू ई प्लस एफ, तो यहाँ देखिए ई नाम के वेरिएबल में सी स्टोर है, एफ नाम के वेरिएबल में ज़ीरो स्टोर है, अब मैंने जी को ऐड किया, दोनों इंटीजर इंटीजर है, दोनों इंटीजर इंटीजर है, सिक्स प्लस ज़ीरो, सिक्स प्लस ज़ीरो ऐड होकर जी में स्टोर होगा सिक्स, तो ये भी सिक्स ही दिखेगा, है ना, ये भी हमें सिक्स ही दिखेगा, बट हमें अभी हम लोगों ने प्रिंट नहीं लिखा, है ना, हम लोगों ने अभी इसे अभी प्रिंट नहीं किया, सॉरी प्रिंट ओस जी, ठीक है, प्रिंट जी। देखिए तो अभी आप क्या देख रहे हैं, जी है सिक्स है, और ऊपर का जो वन टू है और ये थ्री है, ये वन टू और थ्री क्या है, ये दोनों स्ट्रिंग वैल्यू है, और ये सिक्स तो इंट है, बट क्या दोनों को अंतर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि सिक्स और ये ज़ीरो दोनों तो इंट है और जोड़ के भी इंट है, उन्होंने कोई कन्वर्जन वाली बात ही नहीं, ये लाइन नंबर सिक्स के बाद लाइन नंबर सेवन से मैंने जो बताया एक नॉर्मल सी चीज़ बताने के लिए मैंने जानबूझ के यहीं पर लिखा है, तो ई इक्वल टू सिक्स, एफ इक्वल टू ज़ीरो, जी इक्वल टू सिक्स प्लस ज़ीरो, जी में आया सिक्स, प्रिंट किया उन्होंने सिक्स, इंटीजर, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इंटीजर है, और ये थ्री फ्लोट स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग है ना, मतलब नंबर जो है हमारा इंटीजर टाइप का जो नंबर है सिक्स, और है ना इंटीजर टाइप का जो नंबर है स्ट्रिंग, इंटीजर टाइप का जो नंबर है हमारे पास है ना वो इंट, वो भी वैसा ही है, और ये जो नंबर है जो लग रहा है कि इंटीजर है बट एक्चुअल में ये इंटीजर नहीं है, ये स्ट्रिंग है, और ये लग रहा है कि इंटीजर तो ये इंटीजर ही है, ये नंबर जो लग रहा है कि इंटीजर है ये इंटीजर ही है, बट ये दोनों जो नंबर लग रहा है ये 12 और ये 3 है, ये नंबर जो लग रहे हैं कि हमारे पास इंटीजर टाइप के नंबर हैं, इंट हैं, बट एक्चुअल में ये इंट नहीं है, क्या है, ये स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने बात आपको बताया कि वो आउटपुट में वो स्ट्रिंग जैसा दिखता नहीं है, स्ट्रिंग जैसा देखने का मतलब विद इन सिंगल इन्वर्ट कॉमा या सिंगल नोटेशन वो नहीं होता है, और ये दोनों ही हमारे स्ट्रिंग हैं, क्योंकि हमारे ये स्ट्रिंग में हमने कन्वर्ट किया दोनों को, डी वाला को स्ट्रिंग से नॉर्मल इंट में कन्वर्ट किया वन, और स्ट्रिंग टू से हमने नॉर्मल कन्वर्ट किया इंट में टू, वन प्लस टू थ्री, और फिर हमें जो टोटल के साथ इसे लिखना था तो टोटल तो स्ट्रिंग था तो हमें इसे स्ट्रिंग बनाना पड़ा, है ना, मतलब ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये थ्री है, बट जो वो दिख रहा है वहाँ पर वो हमें नॉर्मल दिख रहा है एक इंटीजर टाइप की तरह। फिर यहाँ पर सी है, टोटल इज सी लाइन नंबर फोर में सी, तो सी में भी वन और टू को उन्होंने ऐड किया बट वन टू दोनों स्ट्रिंग है हमारा, दोनों ऐड नहीं होगा बट वो दोनों साथ में बस हो गया सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, तो वन टू है वो, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये नॉर्मल दोनों स्ट्रिंग था, और दोनों स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या हो गया, सी लाइन, सी में लाइन नंबर 3 में दोनों स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ऐड हो गया। बट बस बात ये है कि दोनों स्ट्रिंग स्ट्रिंग यहाँ पर नंबर्स हैं, है ना, इंटीजर टाइप के नंबर्स हैं, उन दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया तो स्ट्रिंग बन गया सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 1 2, ठीक है, और ये हमारा स्ट्रिंग ही है, और टोटल इस तो पहले से स्ट्रिंग था और फिर से ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग, इसीलिए ना थर्ड लाइन में ना फोर्थ लाइन में हमें इसे कुछ कन्वर्जन करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि दोनों स्ट्रिंग था, थर्ड लाइन में दोनों नंबर वाले स्ट्रिंग थे, मतलब इंटीजर इंटीजर स्ट्रिंग किया हुआ था, दोनों स्ट्रिंग थे, कॉन्कैटिनेट हो गए, साथ में हो गए, और फोर्थ लाइन में टोटल इस एक स्ट्रिंग था और सी तो हम लोगों ने 1 2 को स्ट्रिंग कर ही रखा है तो वो भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग साथ में कॉन्कैटिनेट हो गए, इसलिए सी भी हमारा स्ट्रिंग डेटा है। तो सी लाइन नंबर 4 का जो प्रिंट है और लाइन नंबर 6 का जो प्रिंट है, वहाँ सी है और वहाँ जो डी है, दोनों में स्ट्रिंग टाइप का डेटा है बट हमें देखने को कहीं नहीं मिल रहा है ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसे यहीं पर इसे मैं फ्लोट टाइप का बना दूँ, यही नंबर को, अभी नंबर ये इंटीजर टाइप का है, 6 और 0 दोनों इंट है, तो इंट इंट और फ्लोट बना दूँ तो फ्लोट भी ये फ्लोट ही रहेगा, 6.7 0.1, ठीक है, तो 6.7 0.1 क्या हो जाएगा, 6.8, तो 6.8 हमें दिखेगा, ठीक है। अब अगर मैं ये बात करूँ यहाँ पर ये 1 है, अब इसी नंबर को जो मैं इंटीजर की बात कर रहा था, 1 मैं कर दूँ 1.1, ऐसे मैं कर दूँ 2.2, और इसे मैं यहाँ लिख दूँ टोटल इस सी, तो देखिए 1.1 2.2, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये कुछ अलग हो रहा है यहाँ, क्योंकि मैंने जब फ्लोट में किया तो ये साथ में हो जाएगा तो ये आपको दिखेगा 1.1 2.2 टोटल इस, तो सी इज इक्वल थर्ड लाइन में सी इज इक्वल ए प्लस बी, क्या करेगा ये दोनों को साथ में लिख देगा, है ना, ये तो क्या करेगा साथ में लिख देगा, तो क्या होगा 1.1 2.2 लिख देगा ये, नहीं देखते हैं, सी में जोड़ दिया और जोड़े क्या ये तो साथ में कर दिया फ्लोट फ्लोट को, क्योंकि इंटीजर यहाँ इंट टाइप का नहीं है, इंटीजर यहाँ फ्लोट टाइप का है, और नंबर है तो नंबर इंटीजर का या फ्लोट का, ये तो साथ में लिख दे, बस पॉइंट है तो हमें पॉइंट थोड़ा देखने को, हमें थोड़ा अगर हम समझें तो इसे थोड़ा बहुत जानकारी होगी, वो यूज़र को समझ जाएगा अच्छा कुछ तो ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, है ना, या फिर वो नहीं समझ पाएगा तो टोटल इस क्या प्रिंट होगा 1.1 2.2। फिर डी में हम लोगों ने फिर से इसको क्या कर दिया लाइन नंबर 5 में इंट में कन्वर्ट कर दो, 1.1 जो एसटीआर में वो नॉर्मल में हो जाएगा इंट में, और 2.2 जो एसटीआर में वो इंट में हो जाएगा, उसके जो जोड़ेंगे तो हो जाए 3.3, और फिर टोटल इस जो स्ट्रिंग स्ट्रिंग में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में हम लोग जो कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा स्ट्रिंग का पार्ट आ जाएगा उसको, जो लेफ्ट राइट हैंड में हमारा स्ट्रिंग का पार्ट है 3, वो टोटल इस 3 प्रिंट होगा। आइए इसे देखा जाए, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, द बेस वैल्यू एरर आ गई, है ना, लाइन नंबर फाइव में हमें वैल्यू एरर मिल रही है, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है, इसे हम लोग मिटा दें यहाँ पर, इससे पहले यहाँ पर स्टार मार्क कर देता हूँ, सॉरी हैश, टोटल इज 1.12.2, टोटल इज 1.12.2, अब बोलेंगे ये क्या हुआ, देखिए 1.1 था ए में, बी में था 2.2, अब जब मैं इसे साथ में लिखूंगा तो क्या होगा, ये 1.1 2.2 1.1 देन 2.2, तो क्या वही है 1.1
1.12.2 ठीक है, वही बात है। होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, तो मैं जो मैं आपको बताना चाहा, समझाना चाहा मैंने। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। यहाँ पर हमारा जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ नंबर 11 था, यहाँ पर एंड करता है। उसे भी हम लोगों ने ख़त्म करने की कोशिश की थी, मगर इसका पार्ट टू बनाने की, बट हम लोगों ने सोचा कि इसी में हम लोग इसे लास्ट में एक ही बार में जितने प्रोग्राम्स दिए हुए थे इसे हम लोग कवर कर लेंगे और समझ लेंगे इसका प्रैक्टिकल सेशन। तो जितनी भी चीज़ें हैं हम लोगों ने इसे कवर कर लिया है। तो फिर होप सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा, सब आप लोग समझे होंगे सही से। सो कीप स्माइलिंग, होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर जो कि हमारा जल्दी आने वाला है। सो वेट फॉर इट। सो आज के लिए इतना ही, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो लेक्चर नंबर 12 होगा, और वो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इसका नाम होगा हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ये हमारा लेक्चर नंबर 12 का पार्ट होगा। लेक्चर नंबर 12 हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 11 एंड होता है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों का सेशन। सो थैंक यू क्लास।